गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में जो होता है वो टू डायमेंशन होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो अब प्रोजेक्टाइल कैसे हो रहा है, देखो। अब देखो, मान लेते हैं कि ये कोई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ये आपका क्या है, आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, एक स्टोन को हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, एक एंगल में जा रहा है, यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है आप हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो जा रहा है यू वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और एंगल प्रोजेक्शन जो है वो आपका क्या है, थीटा है। ठीक, अब देखो, एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक। अब स्टोन यहां से लेके कहां तक पहुंच रहा है, प्रोजेक्टाइल करके पहुंच रहा है। प्रोजेक्टाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन बोलेंगे, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ये होगा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। बट ये जो थीटा है, ये आपका दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं यू कॉस थीटा बोलेंगे। क्या बच्चों, बताओ तो इसको क्या बोलेंगे, यू कॉस थीटा बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, स्टोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से फेंक रहे हैं, तो स्टोन यहां से मूव करते हुए यहां पर पहुंच रहा है। इसका मतलब देखो, तो यहां पर आपका u cos थीटा जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये आपका क्या, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आपका क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं u ऑफ x इक्वल टू क्या होगा बाबू, u cos क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखो, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, y डायरेक्शन में, तो हम लोग बोल सकते हैं u ऑफ y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u sin क्या होगा, थीटा होगा। बट देखना ये है, अब देखो, स्टोन यहां से जा रहा है, जाते जाते क्या हो रहा है, देखो, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, सेम है, बट इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो, तो यहां पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी यदि आपका दो था, तो यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, तो यहां पर क्या हो गया, मान लेते हैं 1.5 हो गया, और एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम रहेगा, उसी तरफ फिर यहां पर गया, तो धीरे-धीरे ये 1 हो गया, और ये आपका एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी वो सेम रहेगा, बट यहां पर जाके, यहां पर मैक्सिमम हाइट में पहुंच के, इस हाइट में पहुंच के क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब यहां पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है, इसके आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है, और ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स बोल सकते हैं इसको, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो धीरे धीरे यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 जैसे मैक्सिमम हाइट में पहुंचा, y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, और x डायरेक्शन का वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस मैक्सिमम हाइट में आप बोल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब हम किसी एक स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो स्टोन क्या होता है, नीचे आता है। इसका मतलब है वो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया उसके बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, उसके बाद नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगा, नीचे लगेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे लगेगा। इसका मतलब है
कि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा, ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब यहां से तीन पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। एक पैरामीटर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। दूसरा पैरामीटर निकालना है एच मैक्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट, क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट। और तीसरा पैरामीटर क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहला पैरामीटर निकालते हैं, पहला पैरामीटर क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। बट यहां से देखो कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस जा रहा हो t टाइम लग रहा है, और यहां से लेके यहां तक जो ट्रेवल कर रहा है वो भी क्या हो रहा है, t टाइम हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या बोलेंगे, कैपिटल t बोलेंगे। तो हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल t इक्वल टू 2u sin थीटा y क्या होता है, g होता है। बट बच्चों ये कैसे आता है इसको फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा / g कैसे होगा, तो इसको देखते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगा। ठीक है, अब देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मोशन कंसीडर करेंगे y डायरेक्शन में। मोशन को कैसे कंसीडर करेंगे, मोशन कंसीडर y डायरेक्शन, कैसे मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, y डायरेक्शन में कर रहे हैं। और y डायरेक्शन में जब मोशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट a से लेकर b तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। तो यहां से लेकर यहां तक यदि टाइम ऑफ टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक टाइम को निकालना है, यहां से लेके यहां तक टाइम को यदि फाइंड आउट करना है, और मोशन कंसीडर y डायरेक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि u मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, u sin थीटा होगा। ठीक है, अब देखो y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u sin थीटा होगा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो तो y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हम लोग v मानेंगे, और v जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। और एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, माइनस जीरो होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो यहां पर जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इक्वेशन लगाएंगे, मोशन का इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन अब क्या लगाएंगे, मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो बताओ तो बच्चों ये अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू क्या कर सकते हैं, u प्लस क्या कर सकते हैं, a भी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। बट यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो फाइनल वेलोसिटी होती है जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, u sin थीटा होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, माइनस g कंसीडर करेंगे और t कंसीडर करेंगे। अब बच्चों इसको यदि सॉल्व करेंगे तो gt इक्वल टू क्या हो रहा है, u sin थीटा हो रहा है। तो t का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है, u sin थीटा / क्या हो रहा है, g हो रहा है। इसका मतलब ये है
कि यहां से लेके यहां तक स्टोन को पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा यू साइन थीटा बाई थी है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक स्टोन को पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी टू सी पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो सेम टाइम लगेगा, उसको टी लिख सकते हैं, वो भी क्या होगा यू साइन थीटा बाई क्या होगा जी होगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्टोन को पहुंचने में जो टोटल टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होगा स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2t लिख सकते हैं और 2 और t का जो वैल्यू आया वो क्या है u sin theta by g आया u sin theta by g आया। इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू हो रहा है 2u sin theta by क्या हो रहा है g हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टोन को यहां तक यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा 2u sin थीटा बाय क्या होगा g होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लिए बच्चों। अब हमको क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालते हैं। अब बताओ तो मैक्सिमम हाइट यदि निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मोशन इन कंसीडर इन y डायरेक्शन, मोशन को किस में कंसीडर करना है मोशन इन कंसीडर y डायरेक्शन, किस में कंसीडर करना है y डायरेक्शन में कंसीडर करना है बच्चों। अब देखो मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है तो कहां से कहां तक कंसीडर करना है a टू b कंसीडर करना है। तो देखो तो a टू b कंसीडर करना है y डायरेक्शन में कंसीडर करना है तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगा u साइन क्या होगा थीटा होगा। इसको क्या मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा u y डायरेक्शन में जो होगा u साइन थीटा होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा vy जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। जब यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा बच्चों तो इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा जीरो होगा। आप समझ सकते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा नीचे की ओर लग रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस की लिखेंगे। और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो डिस्टेंस हो रहा है वो मैक्सिमम जो हो रहा है उसको क्या बोल सकते हैं एस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं एच बोल सकते हैं एस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं एच बोल सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है h max है। इसका मतलब है s इक्वल टू क्या होगा h होगा। अब यदि इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो हम जानते हैं कि एक इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है। ये आपका फाइनल वेलोसिटी ये आपका इनिशियल वेलोसिटी ये आपका एक्सीलरेशन ग्रेविटी है ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो तो v का वैल्यू क्या है फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों u sin थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 0 होगा और s को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं h कंसीडर कर। तो हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2gh इक्वल टू क्या हो रहा है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो h इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय क्या लिख सकते हैं 2g लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि h मैक्स का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको जो वेलोसिटी v का स्क्वायर लगेगा sin स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा 2g होगा। मतलब मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए u का स्क्वायर मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा 2g होगा। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड आउट कर लिए कि h max कितना होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा g होगा 2g होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों रेंज को फाइंड आउट करना तो रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे
रेंज को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो रेंज कहां हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे मोशन कंसीडर इन एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे? एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। इसका मतलब इसका रेंज को फाइंड आउट करना है। तो रेंज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखेंगे कि अब एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करना है, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू क्या होगा? यू कॉस थीटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एस जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आर होगा, ठीक है। अब देखो तो अब यहाँ पर देखो यहां से लेके यहां तक टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा? कैपिटल टी, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? टू यू साइन थीटा बाई क्या होगा? जी होगा। अब यहां पर देखो इक्वेशन लॉ ऑफ द मोशन लगाएंगे तो एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ए इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो तो s equal to क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा है। और टाइम जो होगा वो कैपिटल t होगा, टाइम जो होगा वो कैपिटल t होगा, और हाफ होगा a t का स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, गुना क्या है? t स्क्वायर। जीरो से किसी भी चीज को ना करें, गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। s equal to क्या हो गया? u cos क्या हो गया? थीटा हो गया। मल्टीप्लाई टाइम ऑफ लाइट का जो वैल्यू आया वो u साइन थीटा बटा क्या है? जी आया। इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करेंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा ब्राइट के यू बाई क्या हो गया? जी हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यू साइन टू थीटा बाई क्या हो गया? जी हो गया। बच्चों इसका मतलब ये है कि एस इक्वल टू ये आया और एस इक्वल टू क्या? आर है। इसका मतलब रेंज का जो फॉर्मूला होगा यू साइन 2 थीटा बाई क्या होगा? जी होगा। यू यू नहीं साइन थीटा, यू और यू है तो सॉरी यहाँ पर यू स्क्वायर है, यहाँ पर यू स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा? यू स्क्वायर। तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है 2 डायमेंशन में होता है। यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी क्या कर रहा है? x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें x डायरेक्शन में वेलोसिटी और y डायरेक्शन में हो रहा है, बट x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद जीरो होगा, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें तीन पैरामीटर को फाइंड आउट करना पड़ता है। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है मैक्सिमम हाइट, एक होता है रेंज। तो बच्चों ये तीनों फार्मूला को क्या करोगे?